मैं स्नेहा बख्शी, मैं इंग्लिश ऑनर्स की एक स्टूडेंट हूँ। आज मैं अपनी वीडियो में एक कलेक्टर्स वाइफ, जो मैंने अपना लास्ट वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन दिया था बार द राइटर, तो वो मैं आज उसके कलेक्टर्स वाइफ नॉबल की जो ब्रीफ आउटलाइन है वो आप सबके साथ डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जानते हैं कलेक्टर्स वाइफ जो एक नॉवल है, जो एक हमें एक स्मॉल टाउन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का एक स्मॉल टाउन जो है उनके लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो हमें दिखाती है। और उस टाइम पे जो एक इंसर्जेंसी का सिचुएशन आया था असम पे 70s to 80s के बीच में, जो मोफेक का सिचुएशन था, तो उन सबसे क्या मतलब प्रभाव पड़ा था लोकल लोगों के बीच में, या जो हमारी प्रोटैगनिस्ट हैं इस नॉवल की रुक्मिणी बेजबरुआ, उनके लाइफ में कैसे क्या प्रभाव पड़ा वो हम आगे देखेंगे। तो जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है रुक्मिणी बेजबरुआ, उनका शादी हुआ था सिद्धार्थ बेजबरुआ के साथ, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे पर्वत पूरी के असम में। तो मित्र फुकन ने यहाँ पे एक पेन पिक्चर दिया है स्मॉल टाउन जो पर्वतपुरी है वहाँ का, ऑलमोस्ट ये 50 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो जगह कैसे चेंज हुई है, वहाँ पे कैसे ब्रिटिश मतलब वो बंगलो जो था जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, डीसी बंगलो जो था वो ब्रिटिश के टाइम पे बनाया हुआ था, तो वो चीज़ें हम लोग कैसे देख सकते हैं कि ब्रिटिश के टाइम पे कैसे क्या बना था एंड ऑल। एंड जो जगह का नाम है पर्वतपुरी, उससे हम लोग एक देख सक पता चलता है हमें कि हाँ वो जगह पहाड़ों से घिरा हो सकता है, पहाड़ के पास कोई जगह हो सकता है। ऑफ़ कोर्स वैसा ही जगह है, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे जैसे उन्होंने उस जगह को डिस्क्राइब किया है तो वो बहुत ही सुंदर जगह है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है द डीसी बंगलो वॉज इट सेल्फ क्रीकी बट स्पेशियस, एवरी विंडो ओपन टू हार्ट स्टॉपिंग व्यूज ऑफ द सराउंडिंग लैंडस्केप्स। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि वो जगह कितनी ही सुंदर हो सकती है। तो जो पर्वतपुरी है वहाँ पे एक मार्केट भी है, पर्वतपुरी का एक मार्केट है जो एकदम बिजी हमेशा रहता है, क्राउडेड एरिया है उसको। उस जगह को एमजी रोड बोल के जाना जाता था, उससे पहले उसको किंग्स वे बोल के भी जाना जाता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको महात्मा गांधी का नाम से जाना जाता है, एमजी रोड बोल के उसको जाना जाता है। वहाँ पे बहुत फेमस रेस्टोरेंट्स भी है न्यू इंडिया के नाम से, बहुत सारे। उस जगह का एक अलग ही यूनिकनेस था पर्वतपुरी का। पर्वतपुरी का जो प्लांटर्स क्लब है उसका भी एक बहुत अलग यूनिकनेस है, क्योंकि वो वाइट टी प्लांटर्स ने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, और वो बाद में जाके ऑफिसर्स क्लब बन गया, जहाँ पे रुक्मिणी ओकेजनली अपने हस्बैंड के साथ जाती रहती है। और रुक्मिणी के घर के आसपास जो बंगलोस है वो सब एसपी के बंगलोस, सर्जन के बंगलो, सब ऑफिशियल लोग ही उस आसपास रहते हैं, तो वो लोग ओकेजनली वो क्लब को विजिट करते रहते हैं। तो ये हम लोग इससे पता चल ही रहा है रुक्मिणी का लाइफ कितना लग्जरी वो से भरा हो सकता है, क्योंकि वो एक डीसी की वाइफ है, उनके लाइफ में रिस्पेक्ट है, लग्जरी है, वो उन्हें उनका घर फुल ऑफ सर्वेंट्स है, उनको किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। हम एज ए डीसी वाइफ हमें तो यही लगेगा कि वो कितनी ज़्यादा अपने लाइफ में खुश है, अपने लाइफ से वो कितनी ज़्यादा मतलब उन पे भगवान कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि उन्हें सब कुछ मिल रहा है जो उन्हें चाहिए था। और उनका जो घर का जो लोकेशन भी है वो भी कितना सुंदर, चारों तरफ से हमें ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ उन्हें मन करता है वो वहीं पे जा सकती हैं। बट इन सब के साथ उनके लाइफ में इन सब चीज़ों में भी रुक्मिणी कहीं ना कहीं अकेली थी अपने लाइफ में, बिकॉज उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे सिद्धार्थ बेजबरुआ के साथ और उनका कोई बच्चा नहीं था। और सिद्धार्थ बेजबरुआ अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते थे कि वो रुक्मिणी को टाइम नहीं दे पाते थे, और शायद वो बच्चा ना होने के वजह से ये भी एक रीज़न हो सकता है उन लोगों में आने वाला गैप जो आया था गैप, उसका ये भी एक वजह हो सकता है। तो और उस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में रुक्मिणी भी अपने लोनलीनेस से सफ़र कर रही थी, उसी सिचुएशन में असम में जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था मोफे का, एजिटेशन का, इंसर्जेंसी का, तो वो भी एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन था, वो भी रुक्मिणी के लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल रहे थे, बिकॉज सिद्धार्थ उन सिचुएशन में और ज़्यादा बिजी होने लग गए थे, उनके पास और ज़्यादा टाइम नहीं था रुक्मिणी की तरफ ध्यान देने का। एंड उस टाइम पे रुक्मिणी
जो है अपनी जो लाइफ है उसका एक रेगुलर, उससे उसको थोड़ा अलग कुछ चाहिए था, उनको थोड़ा अपना लाइफ में अलग कुछ करना था। उनको लिखना बहुत पसंद है, वो राइटर बनना चाह उनको एक वो एक बहुत अच्छा राइटर बनना चाहती थी, उनको लिखना बहुत पसंद है। तो उन्होंने वहाँ पे उस चीज़ों का उनको एक मतलब डिमांड उनके सामने नहीं आया, वो उन चीज़ों के साथ कर नहीं पाई। तो क्या हुआ, वो मतलब उन सब चीज़ों से अलग होके वो चाहती थी कि वो कुछ करे। तो उन्होंने एक जॉब जो दीनानाथ शेख्या कॉलेज है वहाँ पे वो एज ए प्रोफेसर वो जॉब कर रही थी, एज ए लेक्चरर वो जॉब कर रही थी कॉलेज में, उसी डिस्ट्रिक्ट पर्वतपुरी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में। तो वहाँ पे वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती थी। वहाँ पे उनके जो कलीग्स हैं उनके साथ प्रियम डेका, यहाँ पे कुछ नाम मेंशन किए गए हैं, प्रियम डेका, निमेश दत्त, रीता, शिपा दत्त, ये सब उनके कलीग्स थे, उनके साथ वो टाइम अपना स्पेंड करते थे। बट फिर भी उन सब के साथ वो मतलब अपने आप को ढाल नहीं पा रही थी, कहीं ना कहीं वो बोर फील कर रही थी और अपने पर्सनल लाइफ से वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेड अप हो चुकी थी, क्योंकि वो चाइल्ड भी बियर अप नहीं कर रही थी, वो इमोशनल इंटेलेक्चुअल डिप्रिवेशन को बहुत फेस कर रही थी, उनका एक लाइफ में जो कंडीशन था। और वो मतलब उनकी लाइफ में फिर एक फ्रेंड आया जो है मनोज महंत, जो वहाँ के सेल्समैन है। तो वो उसी सिचुएशन में एक कलीग के घर में उनका मनोज महंत से मीट हुआ। तो कहीं ना कहीं उनको इस क्रिटिकल लाइफ में उनको मनोज महंत के साथ कुछ एक मतलब उनके लाइफ में कुछ एक चीयरफुल सिचुएशन आया, जो एक चीयरफुल सिचुएशन क्रिएट हुआ। वो मनोज महंतों में अपने आप को देख पा रही थी, या उनका जो लोनलीनेस है वो जा रहा था जब तक वो मनोज महंत के साथ रहती थी। ऐसा करते करते उन लोगों का फ्रेंडशिप आगे बढ़ रहा था, वो हैप्पी थी मनोज महंत के साथ, मनोज महंतों भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था रुक्मिणी के साथ, वो भी रुक्मिणी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा उसे लगता था। मनोज दोनों उस रिश्ते में, एक फ्रेंडशिप का जो रिश्ता बन चुका था, दोनों उसमें बहुत ही ज़्यादा खुश थे। बट इन सब के साथ ही वहाँ पे जो पर्वतपुरी का सिचुएशन था वो और ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुल हो जा रहा था इंसर्जेंसी के वजह से। तो वहाँ पे उनके जो फ्रेंड्स है, एसपी का घर जो है पास में, वहाँ पे एसपी का उस इंसर्जेंसी में एसपी का मर्डर हो जाता है, उससे एक डिस्टर्बेंसेस आता है, एसपी की वाइफ वो एरिया छोड़ के वहाँ से चली जाती है। ये सबसे रुक्मिणी के लाइफ में तो एक उसको एक डिस्टर्ब वो डिस्टर्ब होती हैं। बट जहाँ तक मनोज महंत उसके साथ है तो वो उस चीज़ को इतना फील नहीं कर रही थी, बट वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थी अपने लाइफ से कि मैं इस फ्रेंडशिप में अपने आप को ढूंढ पा रही हूँ, लेकिन जो मेरा रिश्ता है सिद्धार्थ बेजबरुआ, जो मेरे हस्बैंड है, उनके साथ जो मेरा रिश्ता है, उसका क्या, मैं चाइल्ड बियर नहीं कर पा रही हूँ, उसका क्या, उनके लाइफ का आगे का लाइफ का क्या, वो सब सोचते सोचते वो इस कंडीशन से मनोज महंत के साथ इतना आगे बढ़ गई कि वो एक टाइम पे जाके इन सब प्रॉब्लम से भागने के लिए मनोज महंत के साथ टाइम स्पेंड करते हुए उसकी लाइफ में और एक डिलेमा सिचुएशन क्रिएट आ गया। रुक्मिणी प्रेग्नेंट हो गई बाय द चाइल्ड ऑफ मनोज महंत। तो वो उस चीज़ सिचुएशन को सोच नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना है उस सिचुएशन पे। एंड उससे पहले ऐसा सिचुएशन आ चुका है, उनकी जो सास थी रुक्मिणी की जो सास थी वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न थी। वो हमेशा सोचती थी कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह ये सब जो मॉडर्न वो हैं हम लोग वो सब वो कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं रुक्मिणी उन सब चीज़ों में अपने आप को वो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानती थी कि वो चाइल्ड बियर कर सकती है, बट उस चीज़ में सेम एफर्ट उनको अपनी हस्बैंड से नहीं मिल रहे थे। तो वो चीज़ लोनलीनेस में और जो एक डिस्गस्टिंग नेचर में वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था उनके लाइफ में। तो जब उन्हें मनोज मोहन तो एक उनके फ्रेंड जो हैं उनके साथ जब उन्हें ये सब चीज़ नहीं मिल रही थी तो वो उस चीज़ से आगे बढ़ना चाहती थी, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, उन सब चीज़ों से निकलना चाहती थी अपने रेगुलर लाइफ से। तो ये एक
चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, राइटर ने ये एक चीज़ यहाँ पे दिखाया है कि पॉलिटिकल इशू जो है बाहर का, वो एक पर्सनल लाइफ के साथ कैसे मैच्ड अप, सेम मिल मिक्सअप हो सकता है, कैसे एक पॉलिटिकल इशू किसी के पर्सनल लाइफ में कितना प्रभाव डाल सकता है, या किसी का पर्सनल लाइफ एक पॉलिटिकल इशू के साथ अगर मिक्सड अप हो जाए तो उनके लाइफ में क्या ड्रास्टिंग सिचुएशन आ सकता है। फिर जब रुक्मिणी प्रेग्नेंट हो गई तो उन्होंने अपने हस्बैंड से ये बात कही कि वो प्रेग्नेंट है, और सिद्धार्थ यही सोच रहे थे कि वो बच्चा सिद्धार्थ का है। एंड उसी टाइम पे एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जहाँ पे मनोज महंत जो हैं वो किडनैप हो जाते हैं बाय दी मोफे मेंबर्स। वो वहाँ पे वो इंसर्जेंसी की वजह से वो किडनैप हो जाता है। आए दिन ऐसे घटना वहाँ पे होती रहती है, वो उस टाइम का एक डेली बेसिस पे हो रहा था, कोई आए दिन किसी का किडनैप होता है, किसी का मर्डर होता है। तो उस दिन मनोज महंत का किडनैप हो जाता है, एंड एज अ डीसी वो जब वहाँ पे ड्यूटी पे थे तो उनका ड्यूटी है कि वो जाके उन्हें बचाए। तो उस मोमेंट पे जब सिद्धार्थ बेजपुरवा भी उस चीज़ में एंगेज हुए, वो गए मनोज महंत को बचाने, तो उस टाइम पे वहाँ पे मोफे में उन वो जो एक दो ग्रुप्स के बीच में जो एक कोलैप्स हुआ था, उसमें मनोज महंत और सिद्धार्थ बेजपुरवा दोनों की मौत हो जाती है। तो ये सिचुएशन और ज़्यादा ड्रास्टिक हो जाती है रुक्मिणी के लिए, क्योंकि वो अपने लाइफ में इतना ज़्यादा परेशान थी, फिर उसे थोड़ा सा खुशी मिल रहा था अपने लाइफ में, फिर ये सब कुछ हो गया, ना मनोज महंत तो उसके लाइफ में रहे, ना सिद्धार्थ बेजबरुआ उनके लाइफ में रहे। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल डिलेमा में पहुंच गई थी कि एक पॉलिटिकल इंसर्जेंसी ने कैसे उनकी पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करके उनकी लाइफ को एकदम टोटली चेंज कर दिया, उनकी लाइफ की हर एक जो हैप्पीनेस थी, हर एक जो सैडनेस थी, एवरीथिंग छीन चुकी थी उनसे। तो वो डिलेमा जो है यहाँ पे राइटर ने दिखाया है हमें इस नॉवल में, कि कैसे सब कुछ ड्रास्टिकली एक पॉलिटिकल चीज़ कैसे एक पर्सनल लाइफ को पूरा मतलब ख़त्म कर सकती है, एक पर्सनल लाइफ के इश्यूज जहाँ पे लोग अपने आप को खड़ा करने का कोशिश करते हैं और ये पॉलिटिकल इश्यूज आके उनको गिरा देती है। तो ये रुक्मिणी के लाइफ से वहाँ पे ऐसे बहुत लोग थे जिनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ था, और उस पॉलिटिकल इश्यूज के वजह से उनका लाइफ भी ऐसे ख़राब हुआ था। तो ये चीज़ हमें इस नॉवल से हम समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो और आप लोगों को लगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आगे इस नॉवल की थीम्स पे और इसकी जो वुमेन इशू, वुमेन कैरेक्टर को लेके रुक्मिणी क्यों राइटर ने ये वुमेन कैरेक्टर चूज़ किया, इस पे क्वेश्चंस पे मैं आगे वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू।